शिमारू किड्स हिंदी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और YouTube ऐप पर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्या किया प्राणनाथ, क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपने क्रोधवश अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित हो सकता है भोलेनाथ। अहंकार त्याग कर देवी पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। सोचने में समय नष्ट मत कीजिए, तुरंत अपने गणों को आदेश दीजिए। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.